ऑक्सीमीटर क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, नॉर्मल वैल्यूज क्या है एंड COVID-19 में इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इन सभी सवालों का निरसन आज हम इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, आज के इस कोरोना के काल में हर किसी के घर में इस तरह का पल्स ऑक्सीमीटर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस छोटे से पल्स ऑक्सीमीटर से आप घर बैठे अपने और अपने परिवार के सदस्यों का खून में ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल क्या है ये जान पाएंगे। दोस्तों, ऑक्सीजन सैचुरेशन का मतलब है आपके ब्लड में जो RBC है, यानी कि जो लाल रक्त कोशिकाएँ हैं, वो कितना ऑक्सीजन यहाँ से वहाँ ले जा रही है। दोस्तों, खून में ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खून में ऑक्सीजन के वहाँ से ही हमारे शरीर के सभी ऑर्गन्स अच्छे से काम करते हैं। इसके साथ साथ इस पल्स ऑक्सीमीटर से हम पल्स रेट यानी कि दिल की धड़कनें भी माप सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि पल्स ऑक्सीमीटर क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, नॉर्मल वैल्यूज क्या है एंड COVID-19 में इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इन सभी सवालों का निरसन आज हम इस वीडियो में करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी क्लिप जैसी डिजिटल डिस्प्ले वाली मशीन है, जिसे हम पल्स ऑक्सीमीटर बोलते हैं। इसे पल्स ऑक्सीमीटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि पल्स मतलब ये आपकी हार्ट बीट भी माप लेगा और ऑक्सीमीटर मतलब ऑक्सीजन लेवल भी माप लेगा। दोस्तों, इसे उंगली पर लगाना होता है और फिर रीडिंग आती है। दोस्तों, इसमें तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली होती है SpO2, यानी कि सैचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन इन परसेंटेज। तो इसमें यह पता चलता है कि ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कितना है। तो SpO2 की नॉर्मल मात्रा 95% से ऊपर ही होनी चाहिए, यानी कि आपके ब्लड में ऑक्सीजन सैचुरेशन का लेवल 94% या 94% से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन लेवल 94% से नीचे जाता है तो ये बहुत खतरे की निशानी है। इसमें दूसरी चीज़ है पल्स रेट, यानी कि दिल की धड़कनें। तो इसे इस डिवाइस पर PR BPM से डिनोट किया जाता है। तो इसका नॉर्मल रेट होता है 60 to 90, यानी कि आपकी पल्स रेटिंग 60 से 90 के बीच में आनी चाहिए। और इस पर बीच में और एक रेटिंग दिखाई देती है, जिसे PI यानी कि परफ्यूजन इंडेक्स बोलते हैं। दोस्तों, परफ्यूजन इंडेक्स ये बताता है कि कितने अंदर तक ऑक्सीजन पहुंच रहा है, यानी कि शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन पहुंच रहा है या नहीं, ये पता चलता है। अगर आपका PI रेट 2 to 20 से के बीच है, इसका मतलब ऑक्सीजन शरीर में सभी ऑर्गन्स तक अच्छे से पहुंच रहा है। लेकिन अगर PI रेट 0.5 से भी नीचे है, इसका मतलब ऑक्सीजन शरीर के सभी ऑर्गन्स तक अच्छे से नहीं पहुंच रहा है। तो दोस्तों, अभी हमने पल्स ऑक्सीमीटर के नॉर्मल रेटिंग के बारे में जान लिया। अब हम ये जान लेते हैं कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, इसके साइड में एक ऐसा बटन होता है, उसे दबाकर इस ऑक्सीमीटर को इस तरह से अपने बाएं यानी कि राइट हैंड की उंगली को इस तरह से रगा जाता है। ध्यान रहे दोस्तों, इसका इस्तेमाल करते समय आपकी फिंगर एकदम ड्राई एंड क्लीन होनी चाहिए। आपकी उंगली पर किसी भी प्रकार का नेल पॉलिश, टैटू या मेहंदी नहीं होनी चाहिए, वरना रीडिंग एक्यूरेट नहीं आएगी। तो दोस्तों, उंगली को इस तरह से इस मशीन के बीच रखना है और कुछ एक दो मिनटों में ही ये आपकी ऑक्सीजन स्तर का जो रीडिंग है, रीडिंग के माध्यम से स्क्रीन पर शो कर देगा। इसमें अगर आपको SpO2 रेट 94% से ज़्यादा दिखाई दे, तो फिर आपके ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल नॉर्मल है। लेकिन अगर ये 94% से कम दिखाई दे, तो तुरंत आप अपने डॉक्टर की सलाह लें, डॉक्टर को इसके बारे में बताएं, क्योंकि अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 90% से कम है, तो आपको हॉस्पिटलाइज होने की बहुत ज़रूरत है, वेंटिलेटर की भी ज़रूरत है। और अगर आपका PR रेट यानी कि पल्स रेट 60 to 90 के अंदर है, तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर ये बिलो 60 है, तो इसका मतलब आपकी दिल की धड़कनें, हार्ट रेट कम हो गई है। इस कंडीशन को हम ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं। और अगर आपका PR रेट यानी कि पल्स रेट 90 से ऊपर है, मतलब आपके दिल की धड़कनें बढ़ गई है, तो ऐसी स्थिति को टैचिकार्डिया बोलते हैं। दोस्तों, कोविड पेशेंट में साइलेंट हाइपोक्सिया होता है, मतलब ऑक्सीजन लेवल तो कम होता है बट पेशेंट को पता नहीं चलता, उन्हें सांस लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। इसी कारण पेशेंट की कंडीशन कब सीवियर हो गई, इसका पता नहीं चलता। इसलिए पेशेंट को हर 2-4 घंटे में अपना ऑक्सीजन लेवल इस पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करना चाहिए। दोस्तों, ये पल्स ऑक्सीमीटर आपको मार्केट में या ऑनलाइन साइट्स पर कहीं पर भी आसानी से 2-3 हज़ार रुपये में आसानी से मिल जाएगा। सारे कंपनियों के अलग अलग अपने अपने ब्रांड नेम से ये ऑक्सीमीटर मार्केट में उपलब्ध है। कंपनी के अनुसार इसकी प्राइस में थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है, बाकी सबका प्रिंसिपल सेम है।
तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको इस वीडियो की जानकारी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और ऐसे ही मेडिसिन एंड हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।